रात के 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था परंतु बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। उम्र लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। दुकानदार की पहली नजर उसके पैरों पर ही जाती है। उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए। दुकानदार, क्या सेवा करूं लड़का, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार पूछता है, आपके साथ वह आई है क्या? उनके पैर का नाप चाहिए। लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला, 4 बार फोल्ड किया हुआ एक कागज जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैर की। वह लड़का बोला, क्या नाप बताऊं साहब, मेरी माँ की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मजदूर है, मेहनत कर करके मुझे पढ़ाया, पढ़कर अब नौकरी लगी है, आज पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूं तो सोचा मां के लिए क्या ले जाऊं, तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से मां के लिए चप्पल लेकर आऊं। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी 800 रुपए कीमत थी। चलेगी क्या? आगंतुक लड़का उस कीमत के लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है तेरी? अभी तो 12,000 रहना खाना मिलाकर 7-8,000 खर्च हो जाएगी, यह यहाँ और 3,000 माँ के लिए। अरे फिर 800 रुपए कहीं ज्यादा तो नहीं? दुकानदार बोला, तो बात को बीच में काटते हुए लड़का बोला, नहीं कुछ नहीं होता। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स पैक कर दिया, लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकल गया। पर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया, ये चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट कर देना। माँ से कहना, पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना और क्या मुझे एक चीज दोगे? बोलिए ना भैया, बोलिए। वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज दुकानदार के हाथ में देखकर वह लड़का खुशी खुशी वहां से चला गया। वह फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा? दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से बोला, लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत होती है। दोस्तों, माँ तो इस संसार में साक्षात परमात्मा है, बस हमारे देखने की दृष्टि और मन का सोच श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी 3 बातों को सदैव याद रखना। पहली, अपने माता पिता का सदैव आदर करें, उनको सम्मान दें। दूसरी, इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार ध्यान से देखें जब तक ये वीडियो का सार आपको समझ में ना जाए। हो सकता है एक बार में सुन के आप इसको सुन तो लेंगे पर आपको सार समझ में नहीं आएगा। और तीसरी बात, मैं सदैव कहता हूं, विद्यादान महादान। कम से कम इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनसे उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप ये वीडियो प्रवीण